भाई मैं कमल महल पहुंच गया हूं। कमल महल हाथीशाला रंग मंदिर यहाँ है। ये देखिए, ये आपको बता दूं कि सुप्रभातम टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। मेरे YouTube नोमैडिक भारतीय चैनल पर आपका स्वागत है। ये कमल महल राजघराने का, विजयनगर साम्राज्य के राजघराने का निवास था। यहाँ रानी का स्पेशल आवास था, इसलिए ये चारों तरफ दीवार बनी हुई है और दीवार के अंदर केवल रानी का ही है और उसी में ये कमल महल, लोटस टेम्पल, लोटस महल बना हुआ है। तो आपको अभी दिखाते हैं। ये अंतापुर का मैप है और ये जनाना प्रांगण है जिसका डिटेल, और ये है इसकी पोजीशन। चारों तरफ दीवार है। जो देख रहे हैं इसी के ऊपर रानी का अपना कमरा बना हुआ था, महल बना हुआ था, और ये चबूतरा रह गया है, बाकी ऊपर का पोर्शन टूट गया है। इसमें रानी रहती थी। और आप अब पहुंच गए भाई कमल महल, लोटस महल यानी लोटस टेम्पल। हम पहुंच गए हैं, आप देखिए। और इसके पीछे इनके लिए स्पेशल सवारी के लिए कुछ हाथियाँ और कुछ घोड़े रखे जाते थे, वो भी इसके पीछे ग्राउंड है उसमें बना हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है, आप देख रहे हैं लोटस महल। ये कमल के आकार का बना है, क्योंकि इसके ग्राउंड में अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, चढ़ने के लिए मना है, सीढ़ी इसकी बनी हुई है। परंतु अब आप इसको देखिए, यहीं से यू सी दिस। ये इसी को कमल महल कहते हैं। यहाँ से ताला लगा दिया है, ऊपर नहीं जा सकते। बनावट बड़ी अच्छी है और कमल के रंग में है, लाल गुलाबी रंग में है। विंडोज़ हैं। अब इसके ऊपर रूम है, क्या है क्या नहीं, अंदर जाने से मना है। हो सकता है विंडो उंडो लगी हैं तो ऊपर रूम हो। हाँ, तो ये कमल महल में गार्ड से पूछने के बाद पता चला कि ऊपर कमरे बने हुए हैं रानी के लिए रहने के लिए। तो ये रानी का एक व्यक्तिगत आवास था जो कमल के आकार का बनाया गया है, लेकिन ऊपर जाने के लिए मना है और लॉक लगा हुआ है, इसलिए ऊपर जाके हम आपको नहीं दिखा सकते और इसके अंदर फर्श पे भी जाना नहीं जा सकते। बाहर से ही इसको आप देख सकते हैं। तो अब हम कमल महल के बाद जो इनका हाथी एलिफेंट और घोड़े हॉर्स के रखने की व्यवस्था थी वो वहाँ चलते हैं। वो इनके व्यक्तिगत आवास से बैक साइड में है। आप देखिए चारों तरफ दीवार लगी हुई है और इसके बैक साइड में है, और चारों कोने पे प्रहरी के लिए ऊंची ऊंची मीनारें बनी हैं। तो काफ़ी सुरक्षित इसको बनाया गया था। तो ये गेट है बैक साइड में जाने का, चलते हैं। तो ये आप देखिए, पूरी बैक साइड में आ गए हम। ये एलिफेंट और घोड़ों के रहने की व्यवस्था थी, और बाहर उनके बने हुए हैं कमरे जो खंडहर हो गए हैं, उनके दो नौकर चाकर रहते थे, वो इधर रहते थे। एलिफेंट का
आवास है। ये कितने एलिफेंट रहते थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हाथियाँ यहाँ रखी गई थी, क्योंकि ये प्रत्येक कमरे अलग अलग हैं और इन प्रत्येक कमरों में एक एक हाथी रहती थी। मैं इन कमरों को आपको दिखा रहा हूँ और बहुत सुंदर आवास बनाया गया था। चलिए एक में प्रवेश करते हैं। ये आप देखिए, ये है जो हाथी इनकी रहती थी। ये ऊपर का पोर्शन है, बहुत सुंदर बनाया गया था। ये इसको पूरे कमरे को देख लो, गार्ड प्रत्येक में रहते हैं साफ सफाई के लिए। ये है क्या बंदा? इसी तरह ये सभी हैं और 11 रूम बने हुए हैं हाथियों के रहने के लिए। तो 11 हाथी यहाँ रखे जाते थे। ये व्यक्तिगत हमें लगता है कि रानी की व्यवस्था के लिए थे। अब आप घोड़े, अस्तबल ये है जहाँ घोड़े रखे जाते थे। चलते हैं अस्तबल की तरफ। अस्तबल के सामने की ये सीन है, आप देखिए। ये लेकिन अंदर जाने के लिए ताला लॉक है। अब ये हाथियों का आवास और ये घोड़ों का आवास। अंदर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं। वैसे ये ताला लॉक है, टोटल अंदर आप नहीं जा सकते, बरामदे तक चल सकते हैं। ये आप देखिए, अंदर इसके ताला लॉक है। और अंदर मैं देख रहा हूँ पत्थरों पे मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। तो ये मूर्तियाँ पहले से हैं और कि अभी अभी रखी गई हैं? मुझे लगता है पुरातत्व विभाग ने मूर्तियों को अभी रखा है, क्योंकि चबूतरे जो बने हैं मूर्तियों के रखने के, वो नए लग रहे हैं। तो ये अंदर का पोर्शन है और ये ऊपर का पोर्शन है। दिखाते हैं एक साइड से, यहाँ भी मूर्तियाँ लगा दी गई हैं। और ये मूर्तियाँ सब अभी अभी रखी गई, पहले नहीं थी। जो आप मूर्तियों को देख रहे हो, ये अभी अभी, ये नाग देवता की मूर्ति है। इसी साइड तरह उस तरफ भी मूर्तियाँ रखी हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पे घोड़े थोड़ो रहते थे। घोड़े तो अंदर रहते रहे होंगे, लेकिन बनाया बहुत सुंदर है। ये हनुमान जी, इधर से अगर खुला है तो अंदर चल सकते हैं। खुला तो है, ओके, खुला है भाई। ये तो ये दर्शन के लिए, सजावट के लिए मूर्तियाँ जो है इसी क्षेत्र में कहीं जहाँ जहाँ पाई गई उनको यहाँ रख दिया है पुरातत्व विभाग ने। और कुछ ऐसा लगता तो नहीं ये कि यहाँ घोड़े रहते होंगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे घोड़े कैसे चढ़ते होंगे, उसके लिए कोई स्लोपदार कुछ बना नहीं है। तो दर्शन के लिए मूर्तियों को लगाया है पुरातत्व विभाग ने। अभी पता करते हैं गार्ड से कुछ पूछ के। दोनों साइड से एंट्री है, ये आप देख रहे हैं। ये इच्छाधारी नागिन की मूर्ति लगी हुई है यहाँ भी, जो अब पहले वर्णन किया कमलापुर के म्यूजियम में लगी थी। तो यहाँ भी आप देखिए इच्छाधारी नागिन की मूर्ति
लगी हुई है, लिखा भी है, इच्छाधारी नागिन लिखा है। तो यहाँ नाग देवता की बहुत अच्छी पूजा होती थी। तो ये सब, एक खास बात ये है कि सभी भगवान से संबंधित, धर्म से संबंधित ही मूर्तियाँ हैं। और ये आप देखिए, कृष्ण भगवान का, ये कृष्ण भगवान के रासलीला का जो है फोटो है, आप देखिए कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं, और इस साइड में गोपियों का चित्रण है, और इस साइड में कुछ देवी देवताओं का भी चित्रण है। तीन मूर्ति, तीन सिर हैं, तो लगता है ब्रह्मा या और भी हनुमान जी ये हैं। और ये चित्रण है नंदी पे सवार शंकर भगवान और पार्वती। तो इस तरह से इधर हनुमान जी लग रहे हैं, बीच में ब्रह्मा लग रहे हैं, इधर शंकर भगवान नंदी पे लग रहे हैं, और फिर इधर मुरली जी, मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान लग रहे हैं। और इसके बाद ये जो भी हो इसका चित्रण, तो कृष्ण भगवान की रासलीला संबंधी ऐसा इस फोटो का चित्रण दिख रहा है। फिर आगे आप चलेंगे हनुमान जी, ये वो शेष सैया पे विष्णु भगवान, और ये विष्णु भगवान का स्टोन इधर नहीं पाया जाता, ये बाहर से मंगाया गया है, वो ब्लैक स्टोन को क्या बोलते हैं अभी नाम है। तो सभी ये जितनी फोटो लगी हुई हैं सभी भगवान से संबंधित, धर्म से संबंधित हैं। और फिलहाल इसको घोड़े का आवास बताते हैं, तो इस विषय में अभी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ कुछ ये श्रवण जी की, श्रवण नहीं, ये जानवर मरे हुए हैं, लटकाया हुआ है, यानी शिकार शिकार किए गए हैं। राम जी ने हिरण मारा था वहाँ, स्वर्ण हिरण, तो ऐसा चित्रण है इसमें। तो इस तरह से, और गणेश भगवान, तो सभी फोटो जो है आप देख रहे हैं, गणेश भगवान सभी फोटो भगवान से ही संबंधित हैं। हनुमान जी इधर भी वैसे लगाए गए हैं। तो ये पहले ऐसा नहीं था, बाद में लगाया गया। और इसको बताते हैं, घोड़े का आवास है, उधर हाथियों का आवास, इधर घोड़े का आवास। तो इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घोड़े कैसे बनते थे, हो सकता है इस बीच में बनते रहे हों, जो भी हो अभी गॉड से पूछ के फिर फाइनल करते हैं। तो ये हम बाहर निकल आए, और इधर ये कर्मचारियों का आवास, इसके पीछे रानी का आवास, जो भी आप देखें, ये यहाँ कोई गार्ड नहीं दिख रहा है, और यदि गार्ड दिखे तो फिर जानकारी ले। थैंक यू गाइस, यू हैव सीन द लोटस महल, लोटस टेंपल। और ये यहाँ विजयनगर साम्राज्य की रानी का व्यक्तिगत आवास था, और उनके लिए ये बैक साइड में हाथी घोड़े रखने के लिए व्यवस्था थी, और जो उनके वर्कर्स थे वो उसमें बरामदे में रहते थे। और इधर रूम भी बने हुए हैं जो रानी की सेवा में रहते थे। तो ये यहाँ का बहुत सुंदर दृश्यांकन है। अब थोड़ा सा रंग महल देखते हैं, रंगा मंदिर। ये देखिए, मेन रानी के महल के बाहर हम खड़े हैं, यानी कमल महल के बाहर। तो बाहर से दीवार उनकी सुरक्षा के लिए थी, जो तोड़ दी गई है, आगे कमल महल दिख रहा है। और इस तरह चारों कोने पे ये आयताकार था,
सुरक्षा के लिए मेहराब बना हुआ है, टावर जिसमें सुरक्षा प्रहरी रह के उनकी सुरक्षा करते थे, और बैक साइड में हाथियों का आवास, उनके लिए जो चलने के लिए हाथियां रखी गई, घोड़े रखे गए उनका आवास, और जो आप चबूतरा देख रहे थे वो हाथी घोड़े की देखभाल करने के लिए जो कर्मचारी रहते थे वो उसमें रहते थे। और ठीक उसके पीछे आएंगे तो आप हाथी के आवास से एक दीवार आई हुई है, यहाँ तक यूँ जा रही है। इस ग्राउंड के अंदर रंगा मंदिर है, ये जो आप रंगा मंदिर देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि रानी को विशेष पूजा के लिए ये मंदिर बनाया गया है। और इसके चारों तरफ दीवार थी तो इसलिए आम पब्लिक यहाँ नहीं पहुँच सकती थी। तो ये रंगा मंदिर है, और ये सामने आप कमल महल देख रहे हैं। माधव रंगा मंदिर, लोकप्रिय रूप से रंगा कहलाने वाला माधव को समर्पित। और ये रंगा मंदिर देखते हैं, खंडहर हो गया है। ये देखिए बनावट इसकी, और जो आर्किटेक्चर पुरातत्व तो और भी इन सब विषयों में जो रुचि रखते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये एक चीज़ आप देखिए कि इसका जो छत होता था वो काफ़ी मोटा रखा जाता था, कम से कम पत्थर रखे जाते, पत्थर के ऊपर कंक्रीट और सीमेंटेड और ईंट लगा के कम से कम 2 फीट 2.5 फीट मोटाई होती थी। ये है, इसमें मूर्ति नहीं है, और मूर्तियाँ, ये रंगा मंदिर है, और यहाँ भी कलाकृति है। तो चलते हैं। शीश महल, कमल महल और रंगा मंदिर के ठीक पीछे पुष्करणी तालाब, यूँ कह लीजिए कुआं है। अब तो इसमें नीम का पेड़ उगाया है। ये सीढ़ी गई हुई है पूरे नीचे तक, बहुत सुंदर। ये रंगा मंदिर, सामने कमल महल, और एक एक मंदिर ये भी था जो भी अभी पूजा हो रही है इसकी।